आईक्यू टेस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वो टेस्ट है जिसमें कथित तौर पर इंसानों की सोचने और समझने की शक्ति को नापा जाता है। और अगर आम इंसान की बात करी जाए तो उनका आईक्यू 90 से लेकर 100 तक होता है। पर अगर मैं आपसे पूछूं, आपके अकॉर्डिंग इस दुनिया का सबसे ज्यादा आईक्यू वाला इंसान कौन है, तो अभी आपके मन में सर स्टीफन हॉकिंस जिनका आईक्यू 165 था, या फिर ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन जिनका आईक्यू 175 था, उनका नाम आ रहा होगा। पर मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल गलत हो। स्टोरीपीडिया प्लस के आज के इस एपिसोड में हम 5 ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनका आईक्यू हम सभी के आईक्यू से डबल से भी ज्यादा है। और गाइज, हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 6 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से अगर आप एक का भी आंसर देते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से $100 मिलियन जीतने का मौका मिल सकता है। तो चलिए करते हैं इस अमेजिंग लिस्ट को स्टार्ट। मैरिलिन वॉज 7th, आईक्यू लेवल 228। मैरिलिन वॉज 7th का जन्म साल 1946 में अमेरिका में हुआ था, जिन्होंने अपनी लाइफ का सबसे पहला आईक्यू टेस्ट महज 10 साल की उम्र में दिया था, और तब भी उनके आईक्यू लेवल कहीं ज्यादा थी। उन्हें उस समय इंटेलिजेंस नापने के लिए 2 टेस्ट देने पड़े थे। पहला टेस्ट था नॉर्मल आईक्यू टेस्ट, जो किसी भी इंसान का 145 तक नाप पाता है, और दूसरा मेगा टेस्ट 145 से ऊपर वालों का आईक्यू नापता है। और दोनों टेस्ट के बाद ये पाया गया कि इनका आईक्यू 10 साल की उम्र में ही 186 था, जो स्टीफन हॉकिंस और अल्बर्ट आइंस्टीन से काफी ज्यादा था। और जब इस चीज को देखकर साइंटिस्ट मैरिलिन के ब्रेन के ऊपर स्टडी करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इनका ब्रेन 10 साल की उम्र में किसी 23 साल के लेडी के ब्रेन जैसा वर्क कर रहा था। पर बावजूद इन सब के, मैरिलिन हर नॉर्मल बच्चे की तरह आगे की पढ़ाई स्कूल में कंटिन्यू करती है। और ग्रेजुएशन के बाद जब मैरिलिन 30 साल की होती है, तब वो वापस से एक बार और आईक्यू टेस्ट देने का फैसला करती है, और इस बार उनका आईक्यू पिछले बार से बढ़कर 228 आता है, जो उस समय का हाईएस्ट आईक्यू था, जिस वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है। और इनके लिए एक और अच्छी बात तो ये थी कि इसके बाद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में से आईक्यू का कॉलम हटा दिया जाता है, जिससे ये हमेशा के लिए हाईएस्ट आईक्यू वाली पर्सन बन जाती है गिनीज बुक के अकॉर्डिंग। पर आगे चलकर ये एक अमेरिकन मैगजीन में कॉलमनिस्ट, ऑथर, लेक्चरर और प्ले राइटर बनती है। साथ ही ये आगे चलकर साइंस की कई सारी क्वेश्चंस का आंसर देती है, जैसे कि मोंटी हॉल प्रॉब्लम। नंबर 4, टेरेंस टाउ, आईक्यू लेवल 230। इनका जन्म 17 जुलाई 1975 को एडलेड, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इन्हें बचपन से मैथ्स पढ़ने और समझने का बहुत शौक था, और मैथ्स का शौक इनके सर पर कुछ इस तरह सवार था कि ये 9 साल की उम्र में ही यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन बड़े आसानी से बना लिया करते थे, और 24 साल की उम्र आते तक ये मैथ्स में पीएचडी कर चुके थे। और इससे आगे ये UCLA नाम की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर लेक्चर भी दे चुके थे, और साथ ही वो इतनी सी एज में USS यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाले सबसे पहले इंसान थे। पर इनके लिए ये तो कुछ नहीं था, क्योंकि इन्होंने मैथ्स में ओलंपियड से लेकर सेट जैसे एग्जाम में
तो वो बीमार पड़ जाते थे और इसलिए उन्हें एक डॉक्टर का दिया गया डाइट ही फॉलो करना पड़ता था। साथ ही उनका हियरिंग पावर भी कुछ खास नहीं था और इसी कारण वो अपना ज्यादातर टाइम किताब पढ़ने में बिताया करते थे, जो आगे चल के उनके लिए बहुत काम आने वाली थी। और ऐसा हुआ भी, और उन्हें सिर्फ 11 साल की उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाती है। साथ ही वो सिर्फ 8 साल की उम्र में ही 25 से ज्यादा लैंग्वेज और डायलेक्ट्स बोल पाते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने 8 साल की उम्र में ही एक नया लैंग्वेज बनाया था, जो बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं कर पाते हैं। और 11 साल की उम्र में ही उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो ग्रेट साइंटिस्ट बनेंगे, पर फिजिकली फिट ना होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब बाद में वो अपनी बुक पब्लिश करते हैं, तब एक लाइन मेंशन करते हैं, पीपल दैट आर स्मार्ट फील अलोन इन द सोसाइटी। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में वादा किया था कि आपको मैं 6 क्वेश्चंस दूंगा, तो वो क्वेश्चंस ये हैं। और गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको इनमें से कितनों की कहानी पहले से मालूम थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।